स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। तो इस वक्त मैं हूँ, मेरे को जाने का है कालिका डूंगर पे जाने का है। तो यहाँ पे तीन रास्ता पड़ता है और यहाँ से 2-3 किलोमीटर जाना होगा ऐसा कुछ है। तो यहाँ से आगे चलता हूँ कालिका डूंगर पे। तो न जाने दे वहाँ श्रद्धालु आज होगा या नहीं होगा कुछ पता नहीं, लेकिन यहाँ से आगे चलता हूँ। और यहाँ से कितना है और जखंड 5 किलोमीटर पड़ेगा और डोलन तो तरफ आएगा। और यहाँ पे क्या लिखा है, मधुमक्खी पालन कार्यक्रम राम काकड़ और जखंड पंडा ऐसा कुछ है। तो यहाँ से आगे चलता हूँ अलीगढ़ माउंटेन पे। यहाँ पे देखता हूँ कोई लोग होगा तो मैं। तो इस वक्त कालीकर माउंटेन पे आ गया हूँ, लेकिन यहाँ पे एक जो दादाजी बैठा है, जो अंकल है, पुजारी है आप? अच्छा, ये बात है भाई। तो पुजारी से थोड़ा बातें चीतें करेंगे भाई, पुजारी से थोड़ा बहुत बातें चीतें करते हैं और बाद में ऊपर चलते हैं। तो यहाँ का पुजारी है और यहाँ पे पहले क्या है, यहाँ पे पूजा पाठ करना पड़ता है क्या? है पूजा पाठ करना पड़ता है बाद में ऊपर जाने का? बताओ इसके बारे में। यहाँ पे इसके बारे में ये मुर्गा बकरा जो लाते हैं जी, वो ऊपर ले जाता है, ले जाता है वहाँ हजार करके नीचे लाते हैं। अच्छा, नीचे लाकर ये वो बनाता है, खाता है, पीता है। जी, ऐसा करता है वो लोग। अच्छा, जो खाता पीता नहीं है वो नारियल वगैरह लेकर जाता है ना, कुछ वहाँ दर्शन करके आता है। अच्छा, वो देव है मेघ राजा अनुष्ठान। अच्छा, मेघ राजा, धरती माता, पवन देव, गज विज्ञा, ऐसा वो देव है। जी, लोकमान्य इसी कई लोगों की मान्यता है। अच्छा, पुराना देव। तो जो यहाँ से ऊपर मुर्गा लेके जाते हैं, बाद में वहाँ चढ़ा के यहाँ पे खाना बाना पकाते होंगे? मुर्गा ऊपर नहीं बनाते हैं, काटते नहीं। अच्छा, ऊपर हजार करके वो देव के सामने रख के उधर लाता है, बाद में यहाँ पे बनाते हैं। अच्छा, ये जगह है यहाँ पे? वो जगह में रसोई बना के खाते हैं। अच्छा, जगह बहुत अच्छा है रसोई बनाने का, पीने वाला पीता है, खाने वाला खाता है, कोई रसोई वाला कोई जी सब बनाता है। अच्छा, तो बारिश का देव बनता है। हाँ, तो बारिश का देव जेठ महीने में आता है लोग। क्या करने का, बरसात कितना गिरेगा, कितना महीना आएगा का नहीं आएगा, अच्छा रहेगा का नहीं रहेगा, ये ऐसा है वो लोग है, वो उधर दिखता है वो ऊपर जाके। अच्छा, ये ऐसा खजूरी के सट्टी है पकड़ कर वो चढ़ाते हैं जी। वो सिंदूर का टीला है। हाँ, उसका काला टीला है। हाँ, वो काला टीला वहाँ बम पारता है, आवाज करता है, नाचता है, घूमता है जी। बाद में वो काला टीला वाला जो है वो ऊपर चढ़ने मांगता है, तो बारिश अच्छे तरीके से गिरेगा। अच्छा, वो जो ऊपर ऊपर जाएगा हाँ, तो पानी कम रहेगा। अच्छा, ऐसा लोक मान्य है ये बात है। और वो ऐसा करके मान के जाता है, फिर अच्छा पानी आता है, अच्छा अनाज कनी पकता है, फिर वो अनाज कनी पानी बेड़ा में ये अनाज कनी उधर चढ़ाने के लिए आते हैं। अच्छा, और साग भाजी करता है, साग भाजी भी चढ़ाने आता है। अच्छा, ऐसा करता है लोग। अच्छा, ऐसा मान्य है ऐसे। तो ये था अपना जो महाराज। तो यहाँ पे बहुत सारे जो पुरानी बातें बताई कि जो मानसून में जो बारिश नहीं गिरता है तो बारिश आएगा ऐसा कुछ है? आएगा का नहीं आएगा, जेठ महीने में वो लोग आते हैं, देखते हैं, उसका मायना देखता है, उसका
वो जानता है आता है आएगा का नहीं आएगा का, वो कम आएगा का ज़्यादा आएगा का, ये वो उधर मान पकड़ता है ऊपर। अच्छा अच्छा अच्छा। और अच्छा पानी आएगा तो फिर अनाज कनी धरती में हूँ, धरती माथा पाकेगा वो पहला प्रथम वहाँ चढ़ाने आता है। अच्छा, जो धान पक जाएगा बाद में यहाँ पे चढ़ाने के लिए आते हैं लोग। अच्छा, दियाले पे यहाँ पे कुछ प्रोग्राम रखता है ना। अच्छा, वो दिवाली के दिन यहाँ ने वो देव उठक जरा बोलता है ना, देव उठक जरा बाद में जब दिवाली आती है इस दिन यहाँ प्रोग्राम रहता है। अच्छा अच्छा अच्छा, रखता हूँ मैं। अच्छा, आप होम हवन ऊपर करता है, उधर रसोड़ा रखता है। अच्छा अच्छा। तो और आदिवासी भी वहाँ प्रोग्राम रखता है, तुलसी वहाँ वैसे तैसे आदिवासी प्रोग्राम भी होता है। तो थोड़ा आपका परिचय दीजिए ना, आप कहाँ से रहने वाले हैं? तो और मारे रहने का अंधरवाड़ी दूर। हाँ। फड़िया। अच्छा, मेरा नाम नानजी भाई भीला भाई चौधरी। हाँ। अंधरवाड़ी दूर। हाँ। आज से 30 वर्ष पहला। अच्छा। वहाँ पुंजारी तारीख रहता हूँ। अच्छा। और ऊपर को कुछ नहीं था। आज मैं 24 पत्र को छाप बनाया है मैंने खुद। अच्छा। तो दादाजी आपने तो आप हिंदी में भी बातचीत कर लेते हैं, तो आपने पढ़ाई भी ज़्यादा की होगी? पढ़ाई नहीं, आपका एजुकेशन नहीं है? नहीं। फिर भी आप हिंदी बोल लेते हैं? हिंदी बोल लेते हैं। वाह वाह, आप तो यू आर गुड मैन। पढ़ाई में तो कुछ नहीं है? पढ़ाई में कुछ नहीं? कुछ नहीं। तो आपको ऐसे हिंदी कैसे आ गई? हिंदी आती है। हाँ। और अंग्रेजी है, 10 बोल सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बोल सकता हूँ जी। अंग्रेजी भी? अंग्रेजी भी 10 तो बोल सकता हूँ। अच्छा, तो आपको थोड़ा बहुत अंग्रेजी भी आती होगी? नहीं। अच्छा, नहीं अंग्रेजी नहीं। अच्छा अच्छा। हिंदी बोल सकता हूँ। अच्छा अच्छा। गणित बोल सकता हूँ जी जी। अपनी भाषा बोल सकता हूँ। अच्छा। पटेल साहब ये भी बोल सकता हूँ। दादाजी कोंकणी में इसको थोड़ा बहुत बताओ ना, इसको वर्षा देव को क्या कहते हैं? वही कहता है कोंकणी भाषा में, कोंकणी लैंग्वेज में। ईसा लगता है ये बारिश का देव है। हाँ। बारिश का महत्व देव है, उसका मान्य आपले मानजुन। हाँ। तहाँ जो पानी बेचिए का किसा ईसा कर मानत। हाँ। नहीं बेस पानी ये तहाँ। हाँ। देव मावली लेने ये पूजा कर लाए तहाँ ने है धानी ने ईसा चढ़ लाए तहाँ पानी बेड़ा घोड़ा। हाँ। ईसा चढ़ तहाँ ईसा मान्यता खरा। तो ये भाषा कोंकणी है? हाँ, ये कोंकणी है। अच्छा अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छी भाषा है कोंकणी। और गामित भाषा? गामित भाषा में भी थोड़ा बता दो ना ट्रांसलेशन। ये भी हो गई है का देव मान्य है, मानता है लोग वो दूर दूर थे हैं। हमें रविवार सोनगढ़ तालुका नहीं आनला, ते भी कुकड़ा बुकड़ा ले नहीं आनला, ते लगभग 50 का आदमी मात्रा था ते आनला दर्शन करा। दर्शन कोई नहीं वहीं उतने नहीं रसोड़ो कोई नहीं ला, खाद पीद 5-6 आगे गिला। अच्छा अच्छा। और दूसरा कौन सी भाषा बताया? धुड़िया भाषा। धुड़िया में बताओ। धुड़िया में देव नृत्य मान्यता है, देव नृत्य मान्यता है धुड़िया समाज। ते पण आ वर्षात वर्षात वरहात न देव मान्यता है ने आवेता है, लोग गामे गामे दूर दूर से आवेता है ने पूजा करेता है। हम बधा खरा एम ने वाजे गाजे आवे पाछा। अच्छा अच्छा। पावर छे पछी तूर छे એવો બધા ઢોલો બજા બી બજાવતા આવે, દર્શન કરી જાય, પછી આ વરહાટને માગણી કરવું આવે, પાછી હાજુ વરહાટ આવે ત્યારે પાછા પાછા કોઈ ચડાવવું લગાવે. અચ્છા અચ્છા. બધા ખરા. તો
दादाजी आप इतने जो आप बिल्कुल आपका एजुकेशन नहीं फिर भी आपको भाषा कैसे आ गई? भाषा तो आती है। अच्छा सर, जैसा नेचर कुदरती शक्ति है। कुदरती शक्ति है। अच्छा, आजू बाजू लोग करे वाला कर। अच्छा, जो माहौल है अगल बगल में रहने वाले, हाँ। इसलिए भाषा तो आसानी से आ सकती है। बहुत अच्छा बताया, और दादाजी ने काफ़ी सारी बातें बताई, उसको मैं चाय पानी का थोड़ा दे के जाऊँगा। अरे वरना तो मनु दादा तो बहुत अच्छा है। मनु दादा के मैं पहचानता हूँ। मनु दादा को અમદાવાદ ગયેલા, અમદાવાદ થી આગળ 40 કિલોમીટર આગળ, અચ્છા, 4 દિવસ રહ્યા, હા, ત્યાંથી આવ્યા પછી બીમારી પડી ગઈ। અચ્છા અચ્છા, એ વાત હે। તો મને દાદા કો ભી પહેચાનતે હે અલગટ કા હો? વર્ષો થી મેરે કો બોલાતા હે યે। અચ્છા અચ્છા, લો બસ ચલો ગયા। તો મેં ઉપર જાતા હું, હા જલ્દી યહાં સે આગે ચલતા હું મેં। और ऊपर जाने में कितना, 1 घंटा जैसा हो जाएगा? नहीं, आधा घंटा। अच्छा चलो, ऊपर जा के आता हूँ। अच्छा, तो चलता हूँ यहाँ से मैं कालिया कर माउंटेन पे और दिखाता हूँ वहाँ।